you एवरीबादी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़ सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द एमसीक्यूज़ ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म फंड रेफर्ड टू तो फंड फ्लो एनालिसिस में जो वर्ड फंड होता है उसका क्या मतलब है ऑप्शन ए इज प्रॉफिट ऑप्शन बी ऑप्शन सी फिक्स्ड कैपिटल ऑप्शन डी वर्किंग कैपिटल तो फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जो होता है वो क्या होता है हमारे लिए फंड दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल सेकेंड क्वेश्चन इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स टोटल वैल्यू ऑफ फिक्सड एसेट्स टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स या फिर टोटल वैल्यू ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स तो इसका राइट right आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल ग्रॉस होती है एक नेट होती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है जितनी भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं उन सब का सम टोटल तो उसे हम बोलेंगे टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स दैट इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देन कम्स द क्वेश्चन नंबर थर्ड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है एन एप्लीकेशन ऑफ फंड सोर्सेज ऑफ फंड्स बहुत सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या फिर नन ऑफ दीज देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया इसका मतलब जो भी हमारे पास फंडस थे कैश था वो अप्लाई हो गया सो एन एप्लीकेशन ऑफ फंड विल बी द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन ए नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर फोर्थ फंड्स फ्राम ऑपरेशन इज फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नान ऑफ दीज तो देखिए जो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो ना तो नेट प्रॉफिट होता है ना ही ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स की टर्म है और ना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नान ऑफ दीज ओके सो नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन इज देखिए जो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्या है इंटरनल सोर्स ऑफ फ़ंड्स एन एप्लीकेशन ऑफ फ़ंड्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स या फिर नान ऑफ दीज तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स मतलब हमारे पास जो भी फंड्स अवेलेबल हो रहे हैं वो कौन से इंटरनल सोर्सेज से अवेलेबल हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन सो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर सिक्सथ नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ या फिर टोटल वैल्यू ऑफ द करंट एसेट्स देखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जितना भी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस आ जाएगा नेटवर्किंग कैपिटल सो आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज दैट इज ऑप्शन नंबर सी सो सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इशू ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ रिजर्व्स। अगर बोनस शेयर इशू किए जाएं रिजर्व्स में से तो उससे क्या होगा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी या फिर वर्किंग कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज अब देखिए अगर बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो वो शेयर कैपिटल है ठीक है वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है सो ये वर्किंग कैपिटल को तो इम्पैक्ट ही नहीं करेगा सो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डज नॉट अफेक्ट वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट इंक्रीज इन करंट एसेट्स रिजल्ट इन डैश इन वर्किंग कैपिटल देखिए जो करंट एसेट्स होती हैं एंड जो वर्किंग कैपिटल होती है, है ना इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होंगी तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगी तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल सो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर नाइन्थ डैश इन द करंट लाइबिलिटीज रिजल्ट इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल देखिए करंट एसेट्स का वर्किंग कैपिटल से डायरेक्ट रिलेशनशिप है लेकिन वर्किंग कैपिटल का करंट लाइबिलिटीज के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है अगर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज़ होती हैं तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाती है वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगी तो राइट right आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर टेंथ परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अगर हम परचेज करते हैं तो वो क्या होगा सोर्स ऑफ फंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इनफ्लो ऑफ कैश नन ऑफ दीज अब देखिए अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं इसका मतलब आपने अपने फंड्स को अप्लाई कर दिया सो दिस विल बी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ एन इंक्रीज इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट इज अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या प्रेजेंट करता है सोर्स ऑफ फंड्स एन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स नो फ्लो ऑफ फंड्स या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश अब देखिए अगर शेयर प्रीमियम का अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ज्यादा कैश रिसीव हुआ है अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करेंगे तो ज्यादा कैश रिसीव होगा सो दिस विल लीड टू सोर्सेज ऑफ फंड्स हमारे पास फंड्स आएंगे सो ऑप्शन ए सोर्स ऑफ फंड्स विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज इज नोन एज तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा वर्किंग कैपिटल ओके नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर थर्टींथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ फंड ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ये प्रेजेंट करता है कि हमने फंडस को अप्लाई कर दिया ऑप्शन ए है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल अगर हम शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे तो इसका मतलब फ़ंड्स को अप्लाई कर रहे हैं पेमेंट ऑफ टैक्स अगर टैक्स पे करेंगे तो इसका भी मतलब हम कैश पे कर रहे हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट्स का एंड वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इसका भी क्या मतलब है कि फ़ंड्स को अप्लाई कर रहे हैं राइट so आंसर right क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इन सभी ऑप्शन में से फंड्स को अप्लाई कर रहे हैं हम नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज फंड फ्लो स्टेटमेंट को कि, किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड या फिर ऑल ऑफ दीज तो ऑल ऑफ दीज है इसका राइट आंसर देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्लो या फिर जो भी हमारे पास फंड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं मींस उसका सोर्स क्या है एंड उन फंड्स को हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मींस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या है स्टेटमेंट सोर्सेज एंड यूजेस की फंड्स को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं तो ये सारा क्या है सही ऑप्शन है सो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फंड फ्लो एनालिसिस की स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए कौन सी स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फंड स्टेटमेंट बोथ बी एंड नान ऑफ द अबव अब देखिए हमसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी तो स्टेटमेंट तो यही हम प्रिपेयर करेंगे ना कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया ठीक है तो वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आएगा उसी के बेसिस पे फंड फ्लो एनालिसिस होगा फिर बनेगी फंड फ्लो स्टेटमेंट सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ओके सो आई होप यू गेट इट एंड वन थिंग मोर अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी जरूर करो सो so, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सिक्सटींथ अब देखिए सिक्सटींथ क्वेश्चन में क्या है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शुड बी ट्रीटेड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री में हमारे बात होती है कैश फ्लो की अगर आपको पता ही होगा तो ठीक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन में क्या होता है सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू में बात करते हैं इन्वेंट्रीज के बारे में क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री के बारे में बात होती है थ्री में बात होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में तो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्री प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शुड बी ट्रीटेड एज तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होगी ये एक करंट लाइबिलिटी होगी ठीक है क्योंकि ये करंट ईयर में मेंटेन की जाएगी नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन फ्लो स्टेटमेंट होल्ड्स सिग्निफिकेंस फॉर फंड फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए जरूर, जरूरी है शेयर होल्डर्स के लिए हेल्पफुल है फाइनेंसरीज के लिए हेल्पफुल है गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल है हाँ जी ये सबके लिए हेल्पफुल है सो डी विल बी द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर फंड्स फंड स्टेटमेंट आर प्रिपेयर सो एज टू फंड स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर की जाती है ऑप्शन ए टू आइडेंटिफाई द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑप्शन बी टू आइडेंटिफाई द रीजंस बिहाइंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऑप्शन सी टू नो द आइटम वाइज आउटफ्लो ऑफ फंड्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अब देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं ताकि वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंज आ रहा है वो हमें पता चल जाए एंड वर्किंग कैपिटल में चेंज आने के पीछे रीज़न क्या है वो भी पता चल जाए एंड आइटम वाइज हमें पता चल जाए कि फंड्स का आउटफ्लो कितना है ठीक है सो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर तो ये थे आज के 18 क्वेश्चन आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ठीक है एंड वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ये वीडियो सारे उन एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी जिसमें कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलरली अकाउंट्स से रिलेटेड ओके सो थैंक यू सो मच स्टे ब्लेस्ट